जहाँ इस वक्त खड़ा हो ये है क्वींस का इलाका, और इस इलाके का एक्चुअल जो क्वींस के इलाके काफ़ी बड़ा है ये उसमें है क्वींस प्लाजा का एरिया, जहाँ मैं गुज़िश्ता 3 रातों से हॉस्टल में रुका हुआ हूँ। ये है साइकिलिस्ट के लिए और पेडेस्ट्रियंस के लिए वॉक का ट्रैक। तो ये तकरीबन यहाँ से मुझे अंदाजन कोई 35 मिनट या 40 मिनट लगने वाले हैं मैनहट्टन पहुँचने में। लंबी वॉक है लेकिन मौसम आज बहुत ही अच्छा है, ठंड कम हो गई है न्यूयॉर्क में, जिसकी वजह से वॉक करना जो है वो दुश्वार नहीं लग रहा। हवा इतनी नहीं है, भीड़ नहीं है, और एक रीज़नेबल जिस्म को बहुत ही अच्छा महसूस होने वाली ठंड जो है उसका एहसास हो रहा है। जिस तरफ मैं जा रहा हूँ एक बार फिर आपको बता दूँ, वह है न्यूयॉर्क का मशहूर मैनहट्टन का एरिया, जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें न्यूयॉर्क सिटी की असल पहचान है। इस तरफ जो है ट्रेन का ट्रैक है, और इस तरफ गाड़ियों का ट्रैक है, और बीच में वॉकिंग ट्रैक बनाया है। न्यूयॉर्क सिटी की असल जो पहचान है वो है उसकी बुलंद बाला इमारतें, एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। लेकिन एक चीज़ और भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क शहर जो है दुनिया के तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरह कराची, मुंबई और इस्तांबुल, लंदन, इनकी तरह हर वक्त लोगों से भरा हुआ रहता है। आप इसके सबवे में बैठे हैं, सबवे से मेरी मुराद इनकी जो ट्रेन है जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड नाउ, और इनकी बसेस में आप सफ़र करें न्यूयॉर्क शहर के यानी मैनहट्टन की गलियों में, आप जगह जगह पे मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इस ब्रिज की जो मुस्तकिल मेंटेनेंस जो है कई जगहों से मुतवातिर हो रही है। इसको मुस्तकिल जो है, यहाँ देखें ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ऊपर जो इनके हिस्से हैं, जो इनका इलेक्ट्रिक का निज़ाम है या जो इनका ओवरऑल जो ब्रिज का सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए हर वक्त काम किया जा रहा होता है। हमारी तरह नहीं होता कि ब्रिजेस को अबेंडन छोड़ दिया जाए एक मरतबा बना के, ये रोज़ाना इस पे इस ब्रिज पे लाखों गाड़ियाँ क्वींस से मैनहट्टन, मैनहट्टन से क्वीन जाती हैं, इसलिए इस ब्रिज को एक्सक्लूसिवली जो है वो डील किया जाता है। ये है अब यहाँ का मंज़र,
सर तकरीबन 3 से 4 मिनट में मेरा ये जो वॉक है, वॉकिंग ट्रैक है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये आप देखिएगा, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो इलेक्ट्रिक कार है जिसका मैं तस्करा कर रहा था। इसमें टूरिस्ट बैठते हैं और ये सामने आपको जाती भी नज़र आ रही है। इसका जिक्र कर रहा था मैं आपसे, इसमें बैठ के रोजवेल्ट आइलैंड के नाम से ये जो एयर कार है, इसमें आप बैठ के हडसन रिवर के ऊपर का पूरा नज़ारा कर सकते हैं। से उतर गई है और अब फिर यहाँ से शायद इसे वापस आना है। बस इतना सा ही ये टूर करवाती है, होगा इसका कोई $15-20 का टिकट। अमेरिका में टूरिस्ट स्पॉट खासतौर पे न्यूयॉर्क में काफ़ी महंगे हैं। सेंट्रल पार्क तो फ्री है, आप सेंट्रल पार्क जाएं, वहाँ कोई टिकट नहीं होता सेंट्रल पार्क का। लेकिन अगर आप दूसरी जगहों पे जाएंगे, मिसाल के तौर पे अगर आप लिबर्टी ऑफ स्टैचू की तरफ जाएंगे तो आपको ठीक ठाक पैसे भरने पड़ते हैं। एक और फेरी आ रही है यहाँ से, ये शायद वही फेरी है जो घूम के इस तरफ से आई है। ये बीच में एक ज़मीन का टुकड़ा है जिस पे रिहायशी अपार्टमेंट्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं या बनाए गए हैं। ये रास्ता ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और जैसे ही मैं ब्रिज के उतरने के नीचे आऊँगा तो वो आपको बहुत सारी बुलंद बाला कदोकामत वाली इमारतें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप इधर बस में भी आ सकते हैं, उसी जगह से जहाँ से मैं बैठा था, जहाँ से मैंने वॉक करना शुरू किया था, ये बस वहीं से आ रही है। ज़्यादा नहीं, $2 लेती है पर राइड के। लेकिन अमेरिका में बहुत सारे लोग वॉक को बहुत तरजीह देते हैं, साइकिलिंग और वॉक को बहुत अच्छा तसव्वुर किया जाता है। ये कोई ऐब नहीं है हमारे यहाँ, जैसे आजकल ये हमारी बदकिस्मती है कि वॉक करना या साइकिल चलाना तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, लेकिन वॉक करना जो है उसको भी मायूब समझा जाता है। लेकिन वॉक जो है आपकी हेल्थ को इस्टेबल करने में बहुत एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है। बहरहाल, तो अमेरिका में एक रिवाज है वॉक करने का और साइकिलिंग का, एक्सरसाइज का, और इसको बिल्कुल भी बुरा नहीं तस्वुर किया जाता। ये अब बिल्कुल मैं मैनहट्टन के सराहने में पहुंच गया हूं और यहां से शुरू होगा मैनहट्टन और वो माइल्स में है। ये बुलंदो बाला इमारतें जो हैं न्यूयॉर्क की अंदर माइल्स में हैं, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, दूसरी इमारतें, टाइम्स स्क्वायर, जिधर जाएंगे, जिस तरफ जाएंगे, यूनियन स्टेशन, आपको हर जगह इमारतें ही इमारतें नजर आएंगी। जी दोस्तों, तो ये था वो वॉकिंग ट्रैक जो क्वींस का इलाका, क्वींस प्लाजा से शुरू होकर
मैनहट्टन के इस सराहने पे ख़त्म हुआ है और अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ जल्दी जल्दी में सड़क क्रॉस। ये है मैनहट्टन का आगाज़, यहाँ से न्यूयॉर्क का मशहूर इलाका मैनहट्टन शुरू हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग जो है पसंद आया होगा और आपने इस वॉक को मेरे साथ एंजॉय किया होगा। अगर आप मेरे व्लॉग्स पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज का ये व्लॉग यहाँ तक। अब अगला व्लॉग जो है आपको न्यूयॉर्क के शहर के अंदर की जो मैनहट्टन है, मैनहट्टन आपको दिखाया जाएगा और उसके बाद यहाँ का मशहूर सेंट्रल पार्क भी। जुड़े रहिए द नोमैड के साथ।